अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश करेंगे। एक बाउल पानी लेके उसमें 2 टीस्पून सिरका ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम अपनी स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो इसको इस तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास विनेगर नहीं है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा सादा पानी से भी अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। इसको इस तरह से डिप करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक और बाउल में सादा पानी ले लेंगे और उसमें ये सारी शिफ्ट कर देंगे और इसको अच्छे से दोबारा से वॉश कर लेंगे। और ये देखें, इसकी सारी डस्ट वगैरह जो है वो इसी पानी में रह जाएगी और आप इसको दोबारा से 2 से 3 दफ़े से वॉश कर लेंगे और फिर इसको किसी भी स्ट्रेनर में, किसी भी टोकरी में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये अच्छे से स्टेन हो चुकी हैं और बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। अब हम इसका ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट होता है उसको उतार देंगे और इसको 2 पीसेस में या 3 पीसेस में कट कर लेंगे। कट करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें इस तरह से। इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई सी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो इस तरह से हमने सारी स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया है और उसको दोबारा से उसी बॉल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई या एक पैन और उसमें हम अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड कर देंगे। हमारे पास 1/2 kg स्ट्रॉबेरी है। अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पे पकाना शुरू कर देंगे कवर करके। और यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे तरीके से बॉयल हो रही है और हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। और ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे और ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको इस तरह से छान लेंगे ताकि इसके जो भी बीज वगैरह या जो भी छिलके वगैरह इसमें हों वो अच्छे से स्ट्रेन आउट हो जाए। ये देखें, इजीली हो जाएगा और ये सारे बीज वगैरह जो हैं वो इस स्ट्रेनर में आ चुके हैं और हमारे पास एक प्योर पल्प स्ट्रॉबेरी का आ चुका है इस तरह से। इस स्ट्रॉबेरी पल्प को दोबारा से हम उसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अगर आप इसका कलर और ज़्यादा रेड चाहते हैं तो आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर एंड 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाते जाएंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है, इसको हम और पकाएंगे और ये देखें बिल्कुल सही हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से ठंडा कर लेंगे और किसी बॉल में निकाल लेंगे इसको। और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से बन के आई है। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से फिल कर लेंगे या किसी भी बॉटल में इसको फिल कर लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे। आप इस तरह से एक ही दफ़ा बना के रख सकते हैं, झटपट से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम आइस क्यूब्स डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे 1/2 ग्लास ये वाला जो हमने शरबत बनाया है ये, उसके बाद हम इसमें सादा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई भी सोडा ड्रिंक पे ऐड की जा सकती है। और ग्लास को इस तरह से गार्निश कर लिया हमने, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। आप लोग इस तरह से इफ्तारी में ज़रूर बनाएं और अगर बनाएं तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। आऊँगी अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।